हमारे साथ सुरेश राय जी हैं, पहली बार इनको राज्य मंत्री बनाया गया, योगी मंत्रिमंडल में उनसे बात करते हैं। राय जी, बहुत सारे मंत्री ड्रॉप किए गए, बहुत सारे नए लोगों को इंडक्ट किया गया है, आप भी इंडक्ट हुए हैं, नए मंत्रिमंडल में आपको जगह मिली है, क्या उम्मीदें हैं आपकी, जो जनता की आकांक्षा है उनको कैसे पूरा करेंगे? हम लोग बराबर जनता की आकांक्षा को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए जनता ने हमको दोबारा भेजा है। क्या क्या पूरा किया? अरे सब जनता की सारी आवश्यकताएं तो हम लोग पूरी कर रहे हैं, और जनता ने इसीलिए तो हम लोग को दोबारा चुना है। आप स्वयं देखिए, 35 साल के बाद दोबारा सरकार किसी की बनी है? वो भारतीय जनता पार्टी की बनी है, तो आप लोग स्वयं बताते हैं सारा दिन। ये बताइए कि आप मंत्री बन गए हैं, आप पहला कार्य क्या करेंगे? आप बस जनता की सेवा करनी है, केवल जनता की सेवा से काम नहीं चलेगा। जनता की सेवा के लिए हम लोग तो सेवक हैं। फिर भी कुछ आपने टारगेट सेट किया होगा ना कि जब मंत्री बन जाऊंगा तो ये काम जरूर करूंगा? क्षेत्र का विकास करना है, और एक हमको अपने क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय खोलना है। वो जो मेरा रह गया था पिछली बार, उसको मैं अवश्य इस बार पूरा कराऊंगा। और इसके अतिरिक्त केवल कन्या महाविद्यालय से तो काम नहीं चलेगा, सारे विकास के कार्य होंगे जो जिनकी जरूरत होगी, जिनको वजह क्या लगी आपको बीजेपी अगर 37 साल बाद सत्ता में आई है तो बड़ी जीत की? 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट पूछूं तो क्या लगे आपको? डबल इंजन की सरकार थी, आप जानते हैं तरीके से योगी जी और मोदी जी ने जिस तरीके से कार्य किया जनता के लिए, ये सब उसी का नतीजा है। सबका विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश राय जी हैं, सीतापुर से विधायक हैं, मंत्री बनाया गया पहली बार, कह रहे हैं कि कन्या विद्यालय खोलना चाहते हैं वो, और मंत्री बनने के बाद पहला काम ये करेंगे कि कन्या विद्यालय की नींव डालेंगे। विकास भदौरिया, ABP News, लखनऊ। Thank you.